अहम अहम दिख रहा वो। जय श्री कृष्णा दादी। जय श्री कृष्ण श्रवण कुमार। क्या हुआ काकी, माम ने दरवाजा खोला? माँ जी से बात करने की कोशिश की आपने? हाँ गोपी, लेकिन वो किसी की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। और मीरा? वो अपने कमरे में आराम कर रही। विद्या मत, दी विद्या अपनी दी को लेकर परेशान मत हो, वो अब अपनों के बीच में है इसलिए सुरक्षित है। अहम जी मीरा आप ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। इस वक्त हमें माँ जी के पास चलना चाहिए, अब तक माँ जी ने कुछ भी नहीं खाया है। चलिए चलकर उनसे बात करते हैं और उसके बाद लॉयर से भी तो मिलने जाना है। विद्या, दी के साथ साथ तुम अपना भी ध्यान रखो। ये लो स्वेटर पहन। माँ जी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए। मॉम माँ जी आप सुन रही हैं ना, प्लीज बाहर आ जाइए। माँ जी मीरा को आपकी जरूरत है। माँ जी मीरा इसी घर में है और ठीक है। काकी जी प्लीज माँ जी को समझाइए ना, कहिए ना कि दरवाजा खोल के बाहर आ। देखिए ना कब से अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी है। माँ जी हम सबको आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज बाहर आइए, प्लीज दरवाजा खोलिए ना। माँ जी मॉम प्लीज सुन रही है ना, अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मॉम हम सबको बहुत टेंशन हो रही है। माँ जी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ जी आप सुन रही है ना, प्लीज बाहर आ जाइए। माँ जी ये कैसी काली रात है, मायूसी ही मायूसी छा गई है घर में। काकी जी मुझे पूरा विश्वास है कि कल का सवेरा इस घर में नया उजाला लेकर आएगा। तुम लोग जाओ।
आज उत्तरायण का दिन, जिस तरह आज के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, जिस तरह मौसम की दशा बदल जाएगी, ठीक उसी तरह हमारे घर की दशा भी बदल दीजिए। दुख और मायूसी के बादलों को हटाकर सुख और समृद्धि के सूरज को हमारे घर में उगा दीजिए कान्हा जी। यही प्रार्थना है मेरी। कितना अच्छा लगता है ना जब ये पतंग आसमान में उड़ता है। पर आप जानते हैं ना कान्हा जी कि ये पतंग आसमान में तब तक ही स्थिर रह सकता है जब तक इसकी डोर खिड़की से जुड़ी होती। और एक बार अगर इसकी डोर फिर किसी अलग हो जाए तो ये पतंग आसमान में भटक जाता है और उसके बाद अपने आप जमीन पर गिर जाता है। मेरी मीरा का हाल भी ठीक इसी पतंग जैसा है जिसकी डोर अपने ही परिवार से टूट गई। आपसे यही प्रार्थना है प्रभु कि मेरी मीरा की डोर को फिर से अपने परिवार से जोड़ दीजिए ताकि वो स्थिरता से नई ऊंचाइयों को छू सके। मुझे क्या हुआ है और मैं इस घर में क्यों हूँ? मुझे कौन यहाँ लेके आया है? वो एक्चुअली जब तुम बाहर थी ना तो सही वक्त पे माँ वहां पहुंच गई और उन्होंने तुम्हें बचा लिया। You mean to say कि गोपी मोदी मुझे यहां लेके आई है? दीप दी सुनो दी। कान्हा जी इतना दर्द मत दीजिए मुझे। आप जानते हैं ना ये एक बेटी एक माँ के जीवन में क्या मायने रखती है। उसके दिल का टुकड़ा होती है वो, आंखों का नूर होती है और आत्मा का अंश होती है। मैं अपनी मीरा को और तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटी को जब भी तकलीफ होती या दर्द होता है तो एक माँ टूट जाती है कान्हा जी, माँ टूट जाती है। मेरी मीरा की सारे दुख मुझे दे दीजिए। दी प्लीज कान्हा जी उसे फिर से वही हस्ती खेलती मीरा मुझे लौटा दीजिए। दी सुनो दी दी मेरी बात सुनो दी। मैं जानती हूँ कि
मीरा के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा, बहुत बुरा। और उसके साथ जिसने वो बुरा किया उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। अरे मीरू तुम जाके मीरू दी मीरा मीरा क्या हुआ तुम्हें अचानक? मीरा 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 बेटा मीरा ठीक तो है ना? हाँ बोलना, ठीक है ना? तो आप मुझे यहाँ लेके आई थी? परिस्थिति कुछ ऐसी थी नहीं कि मेरे पास और कोई चारा नहीं, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ लाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, I'm really sorry, ma. क्या कहा तुमने? I'm sorry, ma. काके जी, एम जी, देव जी, मामी जी, आप सबने सुना ना मीरा ने क्या कहा? दूर से बोल, बोलना क्या बोला तुमने? बोल माँ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।